कांवड़ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। मेरठ में मैं इस वक्त कांवड़ मार्ग पर हूं और आप देखिए कि यहां जो कांवड़ मार्ग है इसको पूरी तरीके से बीच में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और उसके लिए यहां पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके गड्ढे किए जा रहे हैं और इन गड्ढों में फिर बल्ली बांध दी जाएंगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर इसी तरीके से जो शहर के भीतरी इलाके से होते हुए जब कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ इस रास्ते पे कोई जाम ना लगे, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, एक तरफ कांवड़ चलती रहेंगी और दूसरी तरफ जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप ये देखिए इसी तरीके से जो कई कई मशीनें हैं वो यहाँ पर लगा रखी हैं, मजदूर बाकायदा लगाए हुए हैं और दो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। एक टीम ऐसी है कि जो यहाँ पर जो गड्ढे खोदने का काम कर रही है और जो दूसरी टीम है वो यहाँ पर बल्ली बांधने का काम कर रही है। जनरेटर के इस्तेमाल से यहाँ पर जो बल्ली बांधने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तरीके से पूरे शहर से जिससे भी कांवड़िए गुजरेंगे वहाँ इसी तरीके से जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। क्योंकि सड़क मोटी है और यहाँ पर रोली डस्ट की जो सड़क है वो बनी हुई है, जो तारकोल की सड़क है, और यहाँ पर इसमें ड्रिल मशीन से छेद करके पूरी जो बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जाएगी। ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी है, अब मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ कि एक तरफ ड्रिल मशीन से गड्ढे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो दूसरी तस्वीर भी देखिए कि यहाँ बैरिकेडिंग करने के लिए जो बल्ली हैं वो यहाँ पर आ गई हैं और पूरी रोड पर इसी तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे ड्रिल मशीन से गड्ढे किए जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर ये है कि जब ड्रिल मशीन से गड्ढे हो गए तो उसके बाद यहाँ पर जो बल्ली हैं उन बल्ली को बांधने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरीके से पूरी जो पुलिस प्रशासन नगर निगम की तरफ से जो तैयारियाँ हैं वो इसी तरीके से यहाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे एक रो कांवड़ियों के लिए छोड़ दी जाएगी और जो दूसरी रो है उस पर पूरी तरीके से ट्रैफिक चलेगा। ये देखिए मजदूर लगे हुए हैं और पूरा कई किलोमीटर का जो ये मार्ग है इसी तरीके से यहाँ पर जो बल्ली बांधने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रात दिन इसी तरीके से कांवड़ मार्ग पर जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जब 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो तो उससे पहले ही जो तमाम तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली जाएँ और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कांवड़ मार्ग को देख भी रहे हैं और पूरी कोशिश यही है कि कांवड़ मार्ग से पहले जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा से पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो कांवड़ मार्ग पर पूरी कर लिए जाएं।